فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا
अपनी बदअमली के लिए, वो जो हराम से उसकी कमाई के अंदर दाखिल हो चुकी
तो उसमें से गोया के एक हिस्सा को निकालना चाहता है अपने उस जमीर की खनिज को दबाने के लिए, उसे मालूम है कि ये शेय हराम है, ये शरीयत में नाजायज है। वअनफकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ये तीन बुनियादें हैं। रुपए पैसे की मोहब्बत जो इंसान के दिल में है, उसमें इंफाक, जिहाद बिल माल, ईदाए माल, वात अल माल अला हुब्बिही ज़बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, पूरी तवील जिस पे कुरान हकीम ने दे दी कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हें फाजिल माल दिया है, जो तुम्हारी जरूरत से ज़ायद है, उसके लिए कौन कौन सी मदद है जिसमें उन्हें खर्च कर सकते हो। इसमें भी वालिदे मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात कहा करते थे, क्या वो तो बुलंद तरीन दर्जा इसका जिक्र कुरान में है, या सुनून का माजा कुल नबी आपसे सवाल करते हैं कि कितना कुछ खर्च करें अल्लाह के रस्ते में, इंफाक, इसलिए कुरान में इंफाक पर, जिहाद बिल माल पर, ईदाए माल पर बहुत तादीद है, बड़ा जोर है, तो कितना कुछ खर्च करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया, कुल अफ़, जो शेय तुम्हारी जरूरत से ज्यादा खर्च करो। ये तो बुलंद तरीन दर्जा है जिसमें तसाई शायद नामुमकिन है हम इंसानों के लिए। अगर जो दौरे सहाबा में ऐसे दरवेश सहाबा मौजूद थे कि जिन्होंने इसकी अमली मिसाल कायम की है, अगर ये नहीं कर सकते तो जो तुम्हारा फाजिल सरमाया अपने किसी मुसलमान भाई को दे दो, कर्ज हसन के तौर पर, बगैर कर्ज के अगर उसकी मदद कर दोगे तो आला तरीन दर्जा है। लेकिन ये कि उसको कर्ज हसन के तौर पर दे दो जिसमें कोई सूदी आवेदिश ना हो, बल्कि उसे बोनस भी ऐसी दोगे जिसमें वो अपने किसी कारोबार के कोई मिसाल जमा सके, कुछ ना कुछ कोई काम कर सके। अगर ये भी नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर इन्वेस्ट कर दो, और उसमें तुम्हें अपनी खुद मेहनत भी करनी चाहिए। मेहनत भी नहीं कर सकते तो इस्लाम में गुंजाइश है उस लिविंग पार्टनर की भी है, अपना सरमाया तो मेहनत कोई और करे। लेकिन यहां आप जो नस्बत व तनासिब होगी वो भी अक्सर मुख्तलिफ हो जाएगी, इसलिए यहां ये बात मुत्तफ़क अलैह है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर नुकसान होगा तो कुल का कुल वो सरमाया काम जिसने सरमाया इन्वेस्ट किया था उसका होगा, जिसने मेहनत की उसका नुकसान नहीं। अब ये तमाम कड़ी शरायत ऐसी मौजूद हैं कि जो गोया के वो जो फाजिल सरमाया इंसान के पास होता है उसका एग्जिट जो है कहां कहां, किस दर्जे में कितना सवाब है, कितना बुलंद है वो दर्जा, वन सबू बीमार रखना उनसे तो माना। उसके बाद में इस किताब के वारिस कौन लोग बनाए गए, तो माउरसल किताब नजीर सफ़ेना में नाइबाद देना वमिन हम वालिमुन नफ़सी वमिन हम मुकतसिब वमिन हम साबिक बिल सैला, बहुत अहम बात। और नबियों के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद हमने किताब और शरीयत का अल्लाह ताला ने जो इल्हामी पैगाम भेजा था उस नबी के जरिए उस कौम की तरफ, उसका वारिस उन लोगों को बनाया जिनको हमने चुन लिया। ये भी तो अल्लाह ताला का इंतखाब है ना कि हम मुसलमान के आने में पैदा हुए, हमारा अपना कोई इख्तियार तो नहीं था, जिसे हमने चुन लिया। तो उनमें से ऐसे भी हैं जो किस जानों पर जोर उठाने वाले हैं, हम इन कि जो अगरचे हैं तो मुसलमान, इसलिए कि इसके बारे में तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन की राय है कि यहाँ जो जिक्र हो रहा है वो मुसलमानों का होगा। सुम्मा औरसल किताब अल्लज़ीन अस्तफ़ैना मिन इबादिना वमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़सिही, उनमें वो भी है जो अपनी जानों पर जुर्म उठाते हैं, जिनकी जिंदगियों में गुनाह और कुछ को फुजूर है। ठीक है, देखिए या कम से कम ये कि मुसलमान हैं, शायद इस्लामी का भी कोई इत्तेहाद जो है पूरी तरह इहतराम करते हैं, लेकिन लेकिन उसके बावजूद उनके यहाँ गुनाह भी हैं, अपनी जानों पर जुर्म उठाने वाले आमाल। वह भी दूर मुख्तसिब, और उनमें वो भी है जो बिल्कुल बीच की राह में है कि अच्छी ये किया भी है, शायर इस्लामी जो है उस पर पाबंदी भी है, फिर ये कि दीन के कुछ ना कुछ तकाजे भी अदा कर रहे हैं, लेकिन ये कि इस दामन में जो है कुछ ना कुछ निजासतें भी लगी हुई हैं, यही किसी एतबार से कोताहियां भी हैं, खामियां भी हैं, गफलतें भी हैं, मुख्तसिब दरमियान के रस्ते वाले, जिसको सूरह तौबा में कहा गया था खलकु अमलन सालिहन व आखरा सैया, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनके आमाल साले हैं लेकिन कुछ ना कुछ इख्तलात और कुछ मिलाव हो गया उसके अंदर, बद आमाल कर दिए, बुरे आमाल कर दिए, खलकु अमलन सालिहन व आखरा सैया, कुछ सैयाद भी हैं।
कुछ लोग तो वो है ना कि जो सिर्फ ये कि मकरूह से बचते हैं, मकरूह तंज़ीह से भी बचते हैं, मुबाहात से भी बचते हैं। वे कि जहां कहीं कोई शक हो गया कि इसके अंदर किसी न किसी दर्जे में कोई मनफी पहलू मौजूद है, उससे होशियार रहने वाले, खबरदार रहने वाले। वमिन सादिकुन बिल खैरात, और वो जो नेकियों में बड़ी सबकत ले जाने वाले, आगे बढ़ने वाले, सादिकु इला मखलतिन मिन रब्बिकुम जन्नतिन अर्धुहा कअर्धिस्समा, ये मुसाबिकत का जज्बा अल्लाह ताला ने इंसान में रखा। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारी मुसाबिकत होती है दुनियावी माल माल दौड़, यहाँ की मालो दौलत है, यहाँ की दौड़ भाग है, यहाँ का स्टेटस है, यहाँ का रुपया पैसा है। हमारी मुसाबिकत अक्सर और बेशतर इस मैदान में होती है। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है कि दीन के एतबार से उसे देखो जो तुमसे आगे जा रहा है, ताकि उस तक पहुंचने का, ये मुसाबिकत है ना, सबकत ले जाना, आगे बढ़ना, ताकि आगे बढ़ने के जज्बे को जो है आप सही रुख पर ढाल सके। दीन के एतबार से उसे देखो जो तुमसे आगे जा रहा है, ताकि वहां तक पहुंचने का जज्बा पैदा हो, कोशिश करो। ये मुसाबिकत है, मुसाबिकत फिल खैरात वा मिनहुम साबिकुन बिल खैरात। और दुनिया के एतबार से, दुनियावी माल और असबाब के एतबार से, दुनियावी नेमतों के एतबार से उसे देखो जो तुमसे पीछे है, ताकि तुम्हारे अंदर इत्मीनान पैदा हो, सब्र पैदा हो कि मेरे पास तो जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है मेरे उन भाई को वो भी हासिल नहीं है। तो साबिकुन बिल खैरात, ज़ालिका हुवल फ़ज़्लु कबीर, ये है असल में बहुत बड़ा फ़ज़्ल अल्लाह का, जो जाहिर है कि बड़े नसीबे की बात है कि इंसान का शुमार उन लोगों में हो जिनके बारे में यहां फरमाया गया, मिनहुम साबिकुन बिल खैरात, सबकत ले जाने वाले नेकियों में खैरात और सदकात के काम। फरमाया बदलिए कफरु लहू नार जहन्नम ला युज़ा अलैहि फयमूत। अब देखिए अहले जन्नत का जिक्र पिछली आयात में पढ़ लिया, युहल्लुन फीहा मिन असाबिर मिन ज़हबिन व लुलुआ, उन बागात में दाखिल किए जाएंगे वो रेजिडेंशियल गार्डन के, जहां उनको गहने जो है वो पहनाए जाएंगे, इसमें मोदी भी जुड़े होंगे जो सोने के होंगे, वो लिबास फीहा हरीर, बहुत ही नफीस और नरम लिबास होगा रेशम का जो उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। वकाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हब अन्ना हज़न, और वो कहेंगे कुल तारीफ कुल शुक्र अल्लाह के लिए है जिसने हमसे उस बड़े हुज़्न को, वो जो एक गम हमें दाखिल योम हश्र की जो 50,000 बरस की एक दौरानिया था, उसकी तकलीफ से और उसके कर्म से निजात अता फरमा। अब यहां मैंने खास तौर पर जिक्र किया था हजरत अबू दद्दा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की जो रिवायत है जो मुस्नद अहमद में मौजूद है, बैहकी में मौजूद है, तिबरानी उनको लेकर आए हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फअम्मा अल्लज़ीना सबक़ू फअुलाइका अल्लज़ीना यदख़ुलूना अल-जन्नता बिग़ैरि हिसाब, वो लोग के जो साबिकुन बिल खैरात में शामिल है, सबकत ले जाने वाले, उन्हें तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। वो तो गोया कि नेकी का इस दर्जे गलबा होगा उन्हें कि उनके लिए हिसाब किताब की भी जरूरत नहीं है। और या अल्लाह, सहाबा इकराम की वो जमात है जो दस्तबाजू बने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हर रसूल और नबी के अहद के अंदर जो उनके दस्तबाजू बने साबिकुन बिल खैरात। और वो लोग के जो बीच की राह वाले हैं जिनकी जिंदगियों में कोई गुनाह कोई फिस्क वजूद भी शामिल है, फिर तौबा करते हैं, फिर कहीं किसी कदम फिसल जाता है, उनके बारे में फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फाउलाइका अल्लज़ीना युहासबूना हिसाबन यसीरा, ये वो लोग हैं कि जिनसे जो हिसाब लिया जाएगा तो बहुत ही सरल होगा, बहुत आसान हिसाब यसीर। अमन लदीना वालम, और वो लोग जिन्होंने जुल्म किया जो हमने पढ़ा था, वह मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही, अपने जानों पर जुल्म ढाने वाले, गुनाहों में दर्द में बंधे हुए, तो उनके बारे में फरमाया तलक़ाहुमुल्लाहु बिरहमतिही, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत का साया फिज़ल फरमा देगा। इसी हदीस में मौजूद है फ़ाउलाइका युहबसूना तूला महशर, और ये वो लोग हैं कि जो महशर के दिन का जो पूरा तोलानिया है या उसका जो दौरानिया है, उसका जो तूल है, जो हादिस में 50,000 बरस इस दुनिया के जो है वो क़यामत का दिन होगा, उसमें उन्हें हालत मुंतजरा में रखा गया, गोया कि वो कर्म और यौम हश्र की वो जो सख्तियां और जो सऊबतें हैं वो उन्होंने फेस की। ये किन लोगों के लिए, जो उम्मती तो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन उनकी जिंदगियों के अंदर कोई कोताहियां कोई बदअमलियां कोई फिस्क व फुजूर
باقی ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے مفسرین نے بالکل واضح کر دی ہے بات, لیکن وہ لوگ جو ان گناہوں میں مبتلا ہوئے جن میں ملوث ہونے کی بنیاد پر قرآن حکیم میں جہنم کی وعید ہے, مطلب سودی کاروبار ہے, سودی لین دین ہے, اسی طرح فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو قتل عمد کے مرتکب ہوتے ہیں, جہاں فرمایا گیا اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے, لعنت ہے اللہ کے اوپر جنہوں نے کسی انسانی جان کو قتل کیا, اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے. لیکن اس کے بارے میں بھی بہرحال یہ اتفاق موجود ہے کہ بہرحال جس کے دل میں کوئی ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا, اللہ تعالیٰ انہیں بالآخر جہنم سے نکال دے گا. اب وہ کتنے عرصے کے بعد, جسے قرن حاکم کہتے ہیں, سالوں نہیں بلکہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال کے بعد, اس کا کوئی تعین نہیں کر سکتا. لیکن بارہ یہاں کن چیزوں کا ذکر کیا گیا, وہ امت محمد سے والذین کفروا لهم نار جہنم, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کا تو پھر مقدر ہوگی جہنم کی آگ, لا یقضى علیہم فیموتوا, نہ تو ان کے بارے میں کوئی حکم دیا جائے گا, فیصلہ کیا جائے گا کہ موت ہی آ کر ان کو جہنم کی تکلیف سے رستگاری دے. اب اس دنیا میں انسان کے اوپر جو کرب ہوتا ہے, بعض اوقات کینسر کی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ مریض خود یہ کہتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی ہمارے مغربی ممالک ہیں ان کے اندر تو بات ہے, یہ قانون پاس کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر کوئی شخص خود یہ کہے وہ اس کینسر کی تکلیف یا جو بھی جس کی اذیت کے اندر مبتلا ہے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں بلکہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس بات کا کہ کوئی ٹیکا مجھے ایسا لگاؤ کہ میری بہت فائدہ ہوگا, لیکن کسی کورٹ نے اس کی اجازت دے دی, ابھی تک تو معاملہ وہ کہ یہ شے بھی خلاف فطرت ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں اپنی جان دے دے یا کسی کو یہ کہے کہ میری جان دے. لیکن یہ کہ جہنم کا معاملہ یہ ہے, اس دنیا میں تو بار بار موت آئے گی تو اس اذیت سے, اس قرب سے, تکلیف سے اسے نجات مل جائے گی, یا اللہ کا فیصلہ کہ موت کب آئے اور یا اس بستر کے اوپر کتنا عرصہ اس کو ابھی اور جینا ہے, اس کے بارے میں کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں. کہا آپ لاکھ دعائیں مانگے, اے پروردگار اس کے لیے آسانی پیدا فرما لے, اے پروردگار اس کے لیے معاملے کو جو ہے زیادہ تمیز نہ ہو, اس لیے کہ اب یہ کام اور یہ تکلیف ہم سے نہیں دیکھی جاتی, اس قسم کی مثالیں ہماری نگاہوں کے سامنے پڑتی ہیں, بالکل جیسے آپ کہیے کہ ہیومن ویجیٹیبل کی طرح اگر انسان ہو جائے کہ نہ اس کے پاس جو ہے کوئی فائل ہونے کا ادراک ہے, نہ کوئی بول سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, نہ ہل سکتا ہے, صرف اس کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ نالیاں ہیں جو اس کے جسم میں داخل کر دی گئی, اس کا ہجن جو ہے وہ دھڑک رہا ہے اور پھیپڑے ہل کر وہ سانس لینے کے گویا کہ زندگی کی یہ دو علامتیں موجود ہیں اور بھی کچھ بھی نہیں. لیکن بہرحال یہ حاتم النظار جو ہے دنیا کی لذتوں کو منقطع کرنے والی بھی اور یہاں کی تکلیف اور کرب اور اذیت کو ختم کر دینے والی بھی, ایک ہی شہر وہ بہت ہے. لیکن وہاں جہنم کا جو عذاب ہے, لا یقضى علیہم فیموتوا, ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ ان کی کوئی موت ہی آ جائے. گویا کہ موت کے بارے میں حدیث میں نے پچھلی مرتبہ سنائی تھی آپ کو کہ ایک میڑے کی شکل میں موت کو لا کر جو اہل جنت اور اہل جہنم کی نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا, اور اس وقت اعلان کر دیا جائے گا کہ تم تمام انسانوں کی یہ موت ہے جو یکجا یہاں اس میڑے کی شکل میں موجود تھی, اب کسی کے لیے موت نہیں. تو یہ معاملہ بھی نہیں ہے, اور اس کے لیے قرآن حکیم میں جو انداز اختیار کیا گیا, لا یموت فیہا ولا یحیا, سورہ آلہ کی آیت ہے کہ جہنم میں نہ تو وہ ہوں گے کہ جو زندوں میں شمار ہوں, نہ وہ ہوں گے کہ جو مردوں میں شمار ہوں. وہ ایک زندگی علامت ہوتی ہے یہاں کی کوئی لذات اور آسائشیں اور سہولتیں حاصل کرنے کی, نہ تو جہنم کے اندر ہوشیں انہیں حاصل ہوگی, اور موت جو ہوتی ہے اس تکلیف اور اذیت سے نجات دلانے کے لیے. لا یموت فیہا ولا یحیا, یہ اہل جہنم کا جہاں ذکر کیا گیا سورہ آلہ کے اندر, تو موت اور زندگی ان میں سے کوئی گویا کہ نہ وہ زندگی ہے کہ کوئی اس کی کوئی لذت حاصل کر سکے, کوئی آسائش سہولت حاصل کر سکے, اور نہ ہی موت. اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا, اس کو میں نے خاص طور پر نوٹ بھی کیا تھا آپ حضرات کو سنانے کے لیے, فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا, اور جب ان پہلے جہنم کو ڈالا جائے گا ایک بہت ہی تنگ جگہ ہے, مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّبِينَ, اور انہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا, دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا, تو اس کیفیت میں وہ پکاریں گے موت کو, لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا,
कहा और उन्हें कह दिया जाएगा आज सिर्फ एक मौत को ना पुकारो, एक मौत आकर जो है तुम्हें इस कर्म से निजात ही दिला सकती, बल्कि अगर मांगना चाहते हो तो कई मौतें तलब करो। इससे कि इस खाल जो है इंसानी खाल, उसके बारे में तो कुरान में है उल्लमा नजीद जुनू तुम बदलना हूं जुनू दल रही। जब ये इंसान की खाल जो है उस जानवर की तपिश की ताप ना लाते हुए झुलस जाएगी, जल जाएगी, तो अल्लाह ताला नहीं खाल अता करना। ये तमाम आयात जो कुरान हकीम की है ये हमें झंझोड़ने के लिए कि उस जहन्नुम की से बचने की सबील करो। तो मैंने खबरदार कर लिया या तो ये जुल्म होता है उस सूरत में कि हमें मालूम ना होता। जब किसी शख्स को मालूम हो जाए कि उसकी मौत जो है इंतहाई दर्दनाक तरीके से ली जाएगी अगर उसने ये काम किया, मतलब शादीशुदा जानी, आपको मालूम है हमारे दीन के अंदर उसकी सजा मौत तो है लेकिन पत्थर मार मार कर हला, ये अजियत की आपकी शक्ल हो सकती है। या दूसरी शक्ल ये भी हो सकती है कि जिंदा इंसान को आग में झोंक दो, आग में जला दो। ये किसकी है? ताकि दूसरे लोगों के लिए इबरत मिल जाए, लोगों को मालूम हो कि यहां आपको इंसाफ का तकाजा था, ये शख्स शादीशुदा था, इसने जिना किया, लिहाजा इसका ये अंजाम होना चाहिए, पहले से बता दिया गया। अगर इस फेर के मुंतकिब हो गए तो ये अंजाम होगा तुम्हारा। इसके बावजूद अगर कोई शख्स इंतकाब करता है तो गोया कि अपने आप को मुस्तहिक करार देता है उस टॉर्चर का, उस अजाब का। यही मामला जहन्नुम का भी है, जहां कुछ इतना वाजे कर दिया गया हो कि जहन्नुम की जो कर्ब है, जो उसकी तकलीफें हैं, वहां अजाब की क्या कैफियत होगी, और ये अल्लाह की किताब में मौजूद है जिसकी हिफाजत का खुद अल्लाह ने जिम्मा लिया, और इस किताब के अंदर कोई शय मुबालगे पर मबनी नहीं है। उसके बावजूद अगर हमें जो है वो शैतान धोखा दे और हमें जो है थपक थपक सुलाने की कोशिश करे, ये तमाम चीजें से जो डरावे के लिए, बाकी अल्लाह ताला तो इंतहाई रहीम है, बड़ा शकीक है, बड़ा मेहरबान है, कैसे मुमकिन है कि अपने बंदों को इतना सख्त वादा दे। इंसान के अंदर जो मंतकी उसकी रग है तो बढ़ती है, कि बहरहाल उन आयात को हमें याद हो सकते ना, उन पर मौत मुसलत की जाएगी जो ये बात यहां फरमाया गया। अब एक मौत से तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, कई मौतों को होगा। वला युखफ्फ अन्हुम मिन अज़ाबिहा, और उनकी चीखों पुकार के नतीजे में ये नहीं होगा कि किसी फरिश्ते का दिल पसीज जाए और उसके अज़ाब में कोई कमी वाक़े कर दे। इसका भी कुरान में बहुत से आसानी है, बल्कि ये कि वरुण जैसे कि फरमाया गया सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 97 में, कुल्लमा खबत जिदना हम सईरा, अगर जहन्नुम की आग जो है कुछ उसके अंदर कोई नरमी या कुछ जो है वो उसकी आग के अंदर तपिश में कोई कमी बातें होगी तो हम उसको और भड़का देंगे। वही अंदाज यहां इख्तियार किया गया, वला युखफ्फ अन्हुम मिन अज़ाबिहा, जिस शख्स के लिए भी जो अजाब मुकद्दर कर दिया गया उसमें कोई कमी बातें नहीं। आलमुल्लाहु ज़ालिक, अल्लाह ताला ने इस अंजाम से बचाया, हमें तौफीक अता फरमाए कि हम शऊरी तौर पर उस बंदे के बाद की जिंदगी में ये जो अजाब और जो जहन्नुम की कैफियत है उससे अपने बचाव को तदबीर कर सके। कज़ालिक नज़ी कुल्ल कफूर, और उसके बाद फरमाया इसी तरह हम बदला देते हैं हर उस शख्स को जो यहां कफूर का लफ्ज आया। अगर ये शुरू में क्या था वल्लज़ीन कफरू, इस्तिलाहन कुफ्र आ गया, वो लोग जो वाक़ईतन काफिर थे जिन्होंने रसूल की दावत को रद्द कर दिया, और यहां कफूर का लफ्ज आया जो नाशुक्रे को कहते। अब देखिए शुक्र के मुकाबले में लफ्ज कुफ्र है, बारह मैंने ये बात आपको बताई। शुक्र क्या है? वो जज्बात है शुक्र जो अपने मुनीम अपने मुरब्बी अल्लाह जिसके इतने इनामात और एहसानात हम पर हैं उसके जवाब भी होती है, रद्द अमल में जो जज्बात पैदा होते हैं जज्बात शुक्र है। और कुफ्र क्या होगा? उन जज्बात को दबा देना अपनी सिफ्ती ख्वाहिशात के जरिए, नफसानी ख्वाहिशात के जरिए, हवाए नफ्स के जरिए। यहां वो लफ्ज इस्तेमाल किए कज़ालिक नज़ी कुल्ल कफूर, इससे पहले दो मरतबा पढ़ चुके, इन्नहु गफूरुन शकूर, कोई शुक्र का लफ्ज। यकीन अल्लाह ताला इंतहाई मुआफ फरमाने वाला भी है, इंतहाई कदरदान भी है, शकूर का लफ्ज है। यहां उसके मुकाबले में कफूर का लफ्ज आ गया, कज़ालिक नज़ी कुल्ल कफूर, इसी तरह हम सजा देते हैं बदला देते हैं हर उस शख्स को जो ना शुक्र। वहम यस्तदिखून फीहा, और ये लोग होंगे कि जो चीखेंगे और चिल्लाएंगे आओ दुआ करेंगे उस जहन्नुम के अंदर, रब्बना अख्रिजना नअमल सालिहा। अब ये मतलब जो कुरान में बहुत से आसानी में है, और वो पुकारेंगे चीखेंगे परवरदिगार हमें
किसी तरह इस जहन्नुम से निकाल दे अपनी जना ना अमल सालिह हम वादा करते हैं कि नेक अमल करेंगे। अल्लाह ताला ने आगे आ जाएगा इस दुनिया में जो बोलत उम्र दी थी वो किसने दी थी, ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है जब किसी शख्स की सर के ऊपर मौत उसे नजर आ रही हो जिसकी गरीब माया गरीब मिसाल क्या है शर्मा, जब वो वर्क होने लगा आखिर दम तक तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसने ताकुब किया और फिर जब उस अल्लाह के हुक्म से समुद्र का पानी मिला दिया गया और वो होते खाने लगा जब उसे मौत अपने सर पर खड़ी आई तो जुबान से क्या निकला, मैं ईमान लाया उस रब पर जो मूसा और हारून का रब है जिस पर बनी इसराइल वाले ईमान रखते। इसलिए कि अब तो उसे मालूम है कि मौत है लेकिन अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका अब मुमकिन नहीं। यही मामला कौमों के साथ होता है उस वक्त जबकि अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की अलामत शुरू हो चुकी होती है और वो अजाब है जिसकी वईद और धमकी रसूल जो है बारहा उन्हें सुना चुके हैं। अब अल्लाह ताला की तरफ से वो अजाब का फरमाना जो है वो साइन करके जारी कर दिया गया अब तौबा का दरवाजा बंद है। कुरान में मौजूद है तमाम लोग जो है वो निकल आए और दुआ करने लगे गिड़गिड़ाने लगे अपने गुनाहों पर तौबा करने लगे लेकिन अब वक्त नहीं है। अब ये जो भी उनकी तरफ से जजा पता हो रही है उसकी कोई गुंजाइश नहीं। इसी को रिपीट करेंगे अहले जहन्नुम कि जब जहन्नुम की सख्तियां होंगी तो रब्बना आखरिजना परवरदिगार एक मौका और दे दे किसी तरह अपने इस अजाब से कर्म से निकाल नामल सालिहन गैर लजी कुन्ना नामल हम वो अमाल करेंगे जो बहुत साले होंगे वो अमल नहीं होंगे जो हम दुनिया में करते रहे जो हराम गोलियां करते रहे हराम कारियां करते रहे जो नाफरमानी और मासियत करते रहे अपने रब के अल्लाह की बजाय शुक्र के कुफ्र करते रहे नाशुक्री करते रहे अब उनकी जुबान के ऊपर अल्फाज है। जैसे कि सूरह मुनाफिकून जो है हमारे मुंतखब निसाब का बहुत अहम दर्स है वहां भी फरमाया गया वन फतों में मार रखना कुछ याद किया यो मुला भाई वाला तो सूरह बकरा के अल्फाज है खर्च करो इससे पहले के बीमार रखना को मुनखबी अयाद किया अहदकुल मौत इससे पहले के मौत का फैसला कर दिया जाए उससे पहले जो अल्लाह ने दिया है रुपया पैसा उसे लगाओ खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। सबसे बुनियादी अब तो जकात है उसके बाद सदकात है तैनात है ईताए माल है वो फिर माल है अब कुछ सिवन जकात अगर कोई शक्ति समझता है जकात अदा करने के बाद उसका माल बिल्कुल पाक साफ हो गया तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इसलिए कि हुजूर से सवाल किया गया था ये कि कोई शख्स अगर अपना माल जो है वो जकात निकाल कर उसको पाक कर दे तो क्या फिर भी कोई हक बाकी रहता है, हुजूर ने फरमाया बिल्कुल रहता है वह फिर माल है हक़न सिवा ज़कात ज़कात अदा करने के बाद भी तुम्हारे अमवाल के अंदर तुम्हारी माल दौलत में अल्लाह ने हक रखा है किसके लिए यतीमों के लिए बेवाओं के लिए साइरीन के लिए वो कि जो कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं अल्लाह ताला ने तुम्हें फाजिल माल दिया तो उनकी मदद करो उन्हें हक पाक करो। तो रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैर अल्लज़ी कुन्ना नामल तो उस मौत के आने से पहले पहले तो अपना सामान जमा करो व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम जो जब ने दिया उसे खर्च करो अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर ये बड़े प्यारे अल्फाज हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें तुम कुछ नसीहत कुछ ना कुछ जो है आखिरत के लिए कुछ कमाई कर चुके होते मन नजर करा जिसको भी कुछ करना था जिसको भी कोई नसीहत हासिल हो जाती क्या हमने तुम्हें कुछ कम उम्र दी थी हमने तो तुम्हें बड़ी तरीन उम्र दी थी। बल्कि रिवायात में है बुखारी में अल्लाह ताला ने फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो अल्लाह को हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने उस शख्स का उज्र खत्म कर दिया जिसको 60 साल या उससे ज्यादा उम्र दे दी वह कितना तवील दौरानिया जिस शख्स को यहां दुनिया में दे दिया गया उसके पास कोई उज्र नहीं है अल्लाह के पास पेश करने के लिए 60 साल की उम्र तो बहुत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र भी आपको मालूम है कि कमरी तकरीब के एतबार से 63 बरस है वरना शमसी तकरीब होगी तो तकरीबन 61 बरस बनते 61 बरस से कुछ आए वरना तो 63 बरस जो है जो आपने भी सुना होगा हुजूर की उम्र मुबारक 63 बरस वो तो कमरी एतबार है। तो बुखारी की रिवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिस शख्स को 60 बरस या उससे ज्यादा उम्र दे दी अब उसके पास कोई उज्र नहीं अल्लाह के सामने पेश करने उसके लिए गोया कि यह उम्र का मिल जाना ही खतरे उज्र है
कि इतनी तवील दौरानिए में भी अगर तुम जो है उस बच्चे को हल नहीं कर सके, 3 घंटे की बजाय किसी को 5 घंटे आप दे दें और उसके बावजूद जो है वो मुश्किल सवाल हल न कर सके तो नाकामी किसकी है। तो ये खासतौर पर मेरे लिए और आप हजरात के लिए जो उसूल के करीब हैं या उससे गुजर चुके हैं, ये हदीस वाकई में इंसान को जो है एक मरतबा लज्जा देने वाली है कि अल्लाह ताला उस शख्स के लिए उज़्र को कता कर देता है कि जिसको 60 बरस या उससे ज़ायद उम्र अता फरमाता है। तो अवलम मुअम्मिरकुम मा यतज़क्कर फी, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिसमें तुमको नसीहत हासिल कर लेते, कुछ सबक हासिल करते, कोई आखिर के लिए कोई अपनी करेंसी जमा करते। मा यतज़क्कर फी मन तज़क्कर, जो भी हासिल करना चाहता है उस नसीहत या उस सबक को और अपने अपनी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली पैदा कर देता। वह जाकुम नज़ीर, और तुम्हारे पास तो पहुंचे थे खबरदार करने वाले, तुम्हें मुतनब्बे करने वाले, तुम्हें बताने वाले, मरने के बाद भी जिंदगी की खबर देने वाले। फज़ूकु फ़मा लिज़ालिमीना मिन नसीब, और फिर उन्हें कहा जाएगा कि अब चखो इस जहन्नुम के अज़ाब का मज़ा, ला युख़फ़्फ़ु अन्हुम, इसमें कहीं को तख़फ़ीफ़ नहीं की जाएगी। जैसे ही वो जहन्नुम की आज कोई मंदम पड़ेगी उसमें और बढ़ा दिया जाएगा उसको। फज़ूकु, चखो इस अज़ाब को, फ़मा लिज़ालिमीना मिन नसीब, और यहां इन गुनाहगारों के लिए ज़ुल्म करने वाले सबसे बढ़कर जुल्म करने वाला कौन है? अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला, इन शिर्क का लज़ुल्म नाज़िम है। लेकिन अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले वो जो गुनाहों में मुलव्वस होते हैं, अल्लाह के हराम की कुछ अशिया को अपने लिए हलाल और जायज़ समझते हैं, फ़मा लिज़ालिमीना मिन नसीब, तो आप इस जहन्नुम में उनका कोई मददगार नहीं। इस दुनिया में कोई जितना बड़े से बड़ा बस्ता ले बस्ता ले का बदमाश होगा उसके बड़े हवारी होते हैं, मददगार होते हैं, उसकी जान अपने लीडर की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले भी मौजूद। तो यहां इस दुनिया में तो उन्हें बड़ा तकिया है अपनी चौपाल पर और अपनी बैठक पर और अपने उन हवारियों पर जो उनके दस्तबाजू हैं, जो उनके चश्मों के निशाने के ऊपर नाचते हैं, उनके लिए नारे लगाने वाले, उनके लिए जानियों जानों का कुर्बानी देने वाले, वहां उनका कोई मददगार नहीं होगा। किसी किस्म की कोई मददगार नहीं। इन अल्लाह आलिम गैब السماوات والأرض, यकीन अल्लाह ताला है कि जो इल्म रखता है इस जमीन और आसमान की हर पोशीदा शय का, हर गैब का। इन्नहु अलीम बिज़ात सुदूर, अब गैब के अंदर इसकी कितनी गहराई है, क्या क्या चीजें हैं, उसका आप तो तायुन कर ही नहीं सकते। इस जमीन के पेड़ की इसकी गहराई में अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें रख दी, कैसे कैसे कीमती खजाने रखती है, हमें तो नहीं मालूम। और वो तो इस पूरी जमीन का इस कायनात के अंदर नस्बत तो तनासुब है क्या, और इस पूरी कायनात की हर पोशीदा शय का इल्म अल्लाह को। हम उसी में चकरा जाते हैं जब कुरान हकीम की आयत पढ़ते हैं, मा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा, अगर किसी दरख्त का एक पत्ता भी अपने तने से जुदा होकर जमीन पर गिरता है तो अल्लाह के इल्म में है, तो अल्लाह के इल्म का कोई अंदाजा कर सकते। जमीन और आसमान की कोई शय उसकी निगाह से पोशीदा नहीं। इन्नहु अलीमुन बिज़ात सुदूर, एक शय को जिसे तुम भी पोशीदा समझते हो, जो तुम्हारे सीनों, जो तुम्हारे सीने जिनका बदफन बन चुके, वो राज, वो वसवसे, वो ख्वाहिशें, वो तमन्ना जो इंसान की जुबान पर भी नहीं आती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन दिन भी कम निकले, इतनी ही ख्वाहिशें और हसरतें ऐसी होती जो इंसान जुबान पर नहीं लाता। लेकिन क्या हमारे रब को मालूम नहीं है? उसे मालूम है, वह अलीम बिज़ात सुदूर। फौरी तौर पर याद आता है सूरह तगाबुन के बारे में मुंतखब निसाब का बड़ा अहम दर्स है, वहां भी ये तमाम डायमेंशन बयान किए, याद रखो माफी समावात और माफी कर, इस जमीन और आसमान की कोई शय मख्फी नहीं है उसकी निगाह से, जानता है। वो यादव बात सिरून और बात को लिदून, इस जमीन पर नींदता हुआ एक कीड़े की मानत इंसान जो कुछ कर रहा है वो भी उसके इल्म है, जो तुम्हारा निदान करते हो भी जानता है, और जो तमाम लोगों की निगाह से बिल्कुल बख्शी होकर पोशीदा होकर जो अमल करते हो गुनाह का वो भी उसके इल्म है। वो यादव बात सिरून और बात को लिदून, दूसरी डायमेंशन वह अलीम बिज़ात सुदूर, और गहरी तरीन डायमेंशन ये है कि तुम्हारे सीनों के राजों से भी बात, इससे आगे बढ़कर हमारी सोच जो है वो तो खत्म हो जाती है। इससे कि ये गहराई जो है इल्म की, ये डायमेंशन इंसान उसका कोई तस्वुर कर ही नहीं सकता।
जो वसवसे जन्म लेते हैं इंसान के अंदर, जो शैतान इंसानों में भी शैतान सिफत लोग मौजूद होते हैं जो वसवसा अंदाजी उनकी तरफ से, और शयातीन जिन जो है जो उसकी नस्ल से चले आ रहे हैं आजाद जिन के इब्लीस के, वो जो वसवसे करते हैं वो अल्लाह के लिए इन लोगों वाली मुजात सुन वो नदी जा रहा तू खदाई फकीर। अब देखिए पांचवें रुको जो शुरू हो रहा है आखिरी रुको इस सूरह मुबारका का, फिर चंद आयात नहीं पढ़ सकेंगे जो कि वक्त बहुत कम है, ये बड़ी चीज नहीं है तुम्हारी मुंबई में। वल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ा फिल अर्ज़, वही है कि जिसने तुम्हें जअलकुम, मक्की सूरत है तो यहाँ मुखातब जो है वो मुशरिकीन मक्का भी है, इस रूए पर अर्जी पर बसने वाला या रहने वाला हर शख्स मुखातब है, उसने तुम्हें बनाया है जमीन में अपना नायब खलीफा। कुरान हकीम में खलीफा के लफ्ज जो है वो दो मकामात पर इस्तेमाल हुआ, एक तो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मुखातब करके सूरह सात की आयत नंबर 26 में, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़, ए दाऊद हमने तुम्हें बनाया है जमीन में अपना नायब अपना खलीफा। आमतौर पर खलीफा का तर्जुमा जो है जानशीन भी किया जाता है नायब भी किया जाता है, खाना और फाज का मादा है पीछे आने वाला, जानशीन कौन है, पहली अकवाम गुजर गई उनके बाद जो नई अकवाम है उनकी जानशीन बन गई। इसी तरह इंसानों में जानशीन कहते हैं कौन होते हैं, आबा व अजदाद के आगे जो नस्ल चल रही है एक नस्ल गुजर जाती है अब दूसरे जो वारिसीन है वो जानशीन बन जाते हैं। तो या दाऊद को इतना जानना का खलीफा तक चुका, दाऊद हमने तुम्हें इस जमीन में अपना खलीफा मुकर किया। और इसी तरह सूरह बकरा आयत नंबर 30 में फरमाया गया, वह इस कारा रब्बुक लिलमलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, और जबकि कहा अल्लाह ने तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कि मैं जमीन में अपना एक नायब और अपना एक खलीफा बना देता हूँ, तो खलीफ का लफ्ज जो है उनको जगाया, खुलफा का लफ्ज आया जैसे कि यहाँ फरमाया गया, खलाइफ का लफ्ज भी आ गया, वो लफी आ रहा तू खलाइफ का लफ्ज। अभी असल में वाइस की जेंसी का जो हमारा एक तसव्वुर है ना कि जिस तरह आपको मालूम है जो सल्तनत बरतानिया जिस जिन जिन इलाकों पर उसने तसल्लुत किया कब्जा किया, तो जो भी उस इलाके के अंदर होता था जो रिप्रेजेंट करता था वो मलका बरतानिया वो यहां वायसराय कहता था, गोया कि उसकी जुबान से निकला हुआ हर हुक्म या हर कानून या हर जो भी उसकी जुबान से ऑर्डिनेंस निकला है वो हुक्म है मलका बरतानिया का। तो वायसराय एजेंसी का था, वायस एजेंसी या वायसराय का जो एक तसव्वुर है वो करीब तरीन आता है सबसे करीब, अल्लाह ताला ने इस जमीन में इंसान को अपना नायब और खलीफा बनाया कि अल्लाह ताला के अहकाम और हिदायत और जो शरीयत है उस पर खुद भी अमल करे और लोगों को भी अमल एग्जीक्यूट भी करवाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो दौर है ये बनी इसराइल की तारीख का इतिहास सुनहरी दौर जिस पर बड़ा फख्र करते हैं आज भी यहूदी जो है, ये 100 ईयर जो है गोल्डन पीरियड बनी इसराइल की तारीख का, जिसमें से 20 साल जो है वो तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हैं, उसके बाद 40 साल हजरत दाऊद के, या दाऊद इतना जानना का कभी बदल देता हूं, और हजरत दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 40 साल उनका दौरे हुकूमत, तो गोया के 40 जमा 40 के बाप और बेटा और 20 साल हजरत दाऊद के, ये एक बड़ा सुनहरी गोल्डन पीरियड है बनी इसराइल की तारीख का जिस पर आज भी इतना बड़ा फख्र। और जाहिर हजरत दाऊद का दौर हजरत सुलेमान का दौर हो तो जिसे आप कहिए कि अल्लाह ताला के अहकाम की फरमा बरदारी और उसकी एग्जीक्यूशन, अगर ये बादशाहत है बादशाहत का कोई ताल्लुक इस्लाम से उस मानी में नहीं है कि नस्ल दर नस्ल वो बात चल रही, अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद नदीना इस एतबार से भी नहीं दी कि अल्लाह के रसूल है तो बेटा कम से कम नबी तो हो, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल मुरसलीन है, और दूसरे फिर यह कि वही नस्ल है क्योंकि जो भी आगे भी चलेगी, लिहाजा वो मामला जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्सेप्शन। तो ये जो खलीफा का ताल्लुक है नायब अल्लाह ताला के अहकाम उसके फरमूदात उनके अवामिल और नवाही किस शय से मना कर दिया, अल्लाह ताला खुद जमीन पर उतर कर नहीं हुक्म देंगे कि ये काम करो और ये ना करो, बल्कि उसके लिए जो ट्रैक का अल्लाह ताला ने इख्तियार किया है अंबिया और रसूल है कि अपने फरिश्ते के जरिए अपना पैगाम
مذہب یہ وہی پہنچتا ہے اس نبی یا رسول تک اور وہ انسانوں تک پہنچاتا ہے، یہ سلسلہ جو ہمیشہ سے چلا رہا ہے۔ تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں اس روئے عرضی پر پہلے انسان بھی حضرت آدم ہے اور پہلے نبی بھی وہ ہے، پہلا انسان پہلا نبی، ان کی اولاد کے اندر اب آگے نبوت اور رسالت چلتی رہی ہے۔ حضرت آدم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے کتنے ہزار برس کے بعد پھر جو دوسرے رسول حضرت نوح کا ذکر قرآن میں آتا ہے 950 برس ان کی عمر، اور اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے قوم عاد کا، قوم ثمود کا، قوم شعیب کا، اور بہت سے آپ کے انبیاء رسول کا ذکر ملے گا، تاکہ یہ سلسلہ آ کر ختم ہوا بنی اسرائیل کی تاریخ پہ حضرت عیسیٰ پر اور بنی اسماعیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تمام علم وہی تصور خلافت کا چلا رہا ہے کہ اللہ کے احکامات کو ایگزیکیوٹ کرنا اس دنیا میں انسانوں کے اوپر اتمام حجت قائم کر دے گا، لہذا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسول، کہ لوگوں کے پاس کوئی عذر اور کوئی بہانہ اور کوئی شیلٹر موجود نہ ہو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا کیا چاہتا۔ تو گویا کہ ہر انسان جو ہے اس اعتبار سے نائب ہے کہ اس کا یہ جو جسم ہے 5.5-6 فٹ کا جو جسم ہے اس پر اللہ کے حکم کو نافذ کرے، یہ گویا کہ انفرادی خلافت ہوگی۔ جیسے کہ سورہ حدید میں فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، مستخلف اور خرچ کرو جس جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا۔ تو گویا کہ یہ میرے جسم کے اندر جو بھی صلاحیتیں ہیں یا جو اس کی ڈیمانڈز ہیں، جو اس کے اندر خواہشات ہیں، وہ نیک ہیں یا بری ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کا کنٹرول میرے پاس ہے۔ تو خلیفۃ اللہ فی الارض اس کا ایک تقاضا انفرادی اعتبار سے یہ بھی ہوگا کہ اللہ کے احکامات کو ہم اپنے اوپر نافذ کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو سورہ نور میں فرمایا گیا نا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت عطا فرماتا ہے، ان کے ہاتھ میں وہ حکمرانی بھی دیتا ہے، انہیں تبکو بھی دیتا ہے، تاکہ وہی مال خلافت جو انسان کے کاندھے پر ڈالا گیا اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے انسانوں کو بھی اللہ کا فرما بردار بنائے، خود بھی بنے اور انسانوں کو۔ تو وہ الذی جعلکم خلائف فی الارض، اس نے زمین میں تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، اس کے احکامات کی ترویج اشاعت ایک درجے میں اور اس کی ایگزیکیوشن یہ ہے تمہارے لیے۔ فمن کفر فعلیہ کفر، لیکن جو کفر کرتا ہے، یہ بار خلافت جو ہے انا عرضنا امانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، یہ مال خلافت ہم نے پیش کیا تھا پہاڑوں کو بھی اور زمین اور آسمان پر، سب نے انکار کر دیا، کوڑا اور چٹا انکار۔ ہاں اس کو اٹھانے کا اگر کوئی عہد کیا تو وہ انسان نے کیا، وہ عمل اگر انسان اس بار خلافت کو اٹھانا وہ انسان کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنے روح میں سے انسان میں پھوٹا تو یہ اپنا منصب بہت اونچا ہے، تو ذمہ داری بھی تو اسی اعتبار سے ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے، لہذا یہ بار خلافت اور تو کچھ کا متحمل ہو نہیں سکتا۔ وہ حمل حق انسان، انسان نے اس بار خلافت کو امن کا برف والے کفر، جس نے انکار کیا روگردانی کی بجائے فرما برداری کے، اس بار خلافت کو اپنے اوپر نافذ کرتے اور پھر یہ اس کی نفاذ کی عملی کوشش کرتے، جنہوں نے اس سے جو ہے اعراض کیا روگردانی کی، فعلیہ کفرہ اس کا وباد اسی پر ہوگا۔ ولا یلین کافین کفرہم عند ربہم لا نقطا، اور نہیں اضافہ ہو کیا ان کے اس کفر نے، جو یہ کافر جو ہے اپنی ناشکری اور اپنے کفر میں جتنے آگے بڑھ رہے سوائے یہ کہ اپنے رب کی جو ہے اس بیزاری کے علاوہ اور کسی شے میں اضافہ۔ یہ وقت کا لفظ ہے، اس کو بھی خاص طور پر نوٹ کیجیے، نظام کے ایک میں نہیں ہے، ایک ہے کسی شخص کو کسی پر غصہ، غصہ آپ کو اس شخص پر آئے گا جس کے بارے میں آپ کو امید ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی اصلاح ہو، اپنی کوئی اصلاح کر لے، اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر لے، لیکن یہ کہ اس شخص سے آپ کے اندر بیزاری پیدا ہو جائے گی جس سے آپ کو کسی تبدیلی کسی اصلاح کا کوئی توقع ہی باقی نہیں، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی کا ملا کرے گا۔ تو گویا کہ یہ بیزاری جو ہے یہ غصے سے بھی بہت آگے کے درجے کی بات ہے،
और यहां से मैं हवाला देना चाहूंगा सूरह सब का उसी पर गुफ्तगू खत्म करूंगा, हमारा वक्त खत्म हो रहा है। कबूर बख्तन इंदल्लाह अन तकूनू मा ला तफ़अलून, अल्लाह ताला के गुस्से नहीं बल्कि बेजारी को, जो गुस्से भी इससे भी आगे पीछे है उसको भी बहुत बढ़ा देने वाला है तुम्हारा ये तर्ज अमल कि तुम्हारे अंदर कौल और फेल का तजाद पैदा हो जाए। दावे पूछू, कहना पूछू, इकरार किसी बात का हो और अमल और सीरत और किरदार उसकी कतरन ना सिर्फ यह कि नफी कर दो उसके खिलाफ। या ये नजीन आमनू लिमत अकूलू ना मारा तक करूँ, ये पूरी आयत जो है बल्कि दो आयात है उनको सुनी लीजिए। अहले ईमान क्यों कहते हो बात इस पर अमल नहीं करते, कबूर मख्तम इंदल्लाह अन तकूनू मा ला तफ़अलून, अल्लाह के गुस्से और बेजारी को बहुत बढ़ा देने वाला यह तर्ज अमल के कहो कि जिस पर खुद अमल न कर। तो यहां भी फरमाया गया कि इन लोगों की गुनाहगारी, इनका कुफर और इनका इंकार जो है वो अल्लाह के गुस्से और अल्लाह की बेजारी ही में इजाफे के सबब बनता है। अल्लाहु रब्बना ला तजअलना मअहुम, अल्लाहु रब्बना ला तजअलना मअहुम। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम के मुताबिक अपने अंदर तब्दीली और नसीर और किरदार सीरत और किरदार में निखार पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़अनी व